हेडफोन्स लगा ले भाई, इंतज़ार कर रहा हूँ। मुस्कुरा रहा है? मुस्कुरा क्यों रहा है? हेडफोन्स लगा, हमारी वीडियो में तुम्हें बताया ना हेडफोन ज़रूरी है। खैर आज थोड़ी सी स्टैंड अप बकचोदी करेंगे और ये वीडियो सिर्फ लॉन्डो के लिए, लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। जाना मतलब नहीं, देखना है कि क्या इस वीडियो में जो हमें भगा रहा है। आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँगा और दूसरों के दोस्तों के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में। अपनी बात ये बताऊंगा यार, मतलब थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो यार तुम लोग, मतलब थोड़ा सा सेंस होता है। अब परसों चाचू के साथ पंप के पास खड़ा हुआ था, दो बंदे आए बाइक पे, मुझे रोका, आप वही है ना वीडियोज़ जो बनाते हैं? अब चाचू बराबर है, मैंने बोला हाँ वीडियोज़ बनाता हूँ मैं। तो चाचू भी देख रहे हैं कि पता नहीं कौन सी वीडियोस बनाता है ये। तो वो एक बंदा उतर के मेरे पास आया, हारिस भाई क्या हाल है? आज बात मिले हारिस भाई, वो पड़ोसन के बड़े बड़े मम्मो वाला शेर तो सुनाओ। चाचू खड़ा हुआ है के चाचू इधर तो देख। अब वो चाचू यूँ देखे, मतलब किस चीज़ की बात? अरे चाचू किसी और को देख लिया होगा, मैं नहीं हूँ, कोई और है वो। वहाँ नहीं वहाँ पियो यार, वो वाला बताओ जो खड़ा नहीं हो, वो बहन का लौड़ा, वो वाला बताओ। बहर यही बताना था तुम लोगों को यार, ये नहीं किया करो, इस वजह से मुझे गालियाँ छोड़नी पड़ेंगी यार। यार ये नहीं होती गालियाँ कंट्रोल हमसे यार, हमसे बिल्कुल नहीं होती ये गालियाँ कंट्रोल यार। मतलब ये गालियाँ नहीं है, ये फूल होते हैं जो हम अपने दोस्तों को देते हैं यार। मतलब बात बात पे देते हैं, मतलब जैसे चाय में शक्कर ना हो तो मज़ा नहीं आता, सेक्स में कोबरा ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसी तरह बात बात में गाली ना हो तो मज़ा नहीं आता। मतलब औरों के दोस्तों के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में मतलब बहुत फ़र्क है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क है जितना मैंने नोट किया। मतलब औरों के दोस्त होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, मीटिंग्स चल रही होती हैं, उनके कुछ लाइफ में गोल्स होते हैं, उनको अचीव कैसे करना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, और जिसने स्टार्ट किया वो होता है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, सब डिस्कस कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, कोई फजूल बात नहीं होती। इन चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में बात चल रही होती है, पैसे कैसे कमाए, कौन सी गाड़ी ले। हमारे वाले रात के 1 बजे मेरे साथ बैठा, बोला जानी ये बात बता, बोला हाँ पूछ, बोला ये बता हमारे इलाके में सबसे बड़ा लौड़ा किसका होगा? अरे बहन क्या लौड़ो, ये कोई सवाल है? मतलब औरों को देखो और हमें देखो, हमारे दोस्तों को देखो यार इतना। तब आगे से मैंने भी जवाब दिया, होगा याकूब मामा का इतना होगा? मुझे क्या अपना मेरे से सवाल करो? अच्छा थोड़ी लगेगा तेरे को 2-4 बंदों के नाम बताऊंगा, बोले तुझे कैसे पता चला? अच्छा अच्छी बात नहीं होती, मतलब यार बहुत फर्क होता है हमारे दोस्तों में औरों के दोस्तों में यार। अच्छा उनके पास मतलब औरों के दोस्तों के पास कॉल आती है ना, अचानक कॉल आती है, कॉल उठाते हैं, कॉल आई, उठा ली जी। अब वो आगे से बोलता है कहाँ हूँ? बोलता है मैं घर पे हूँ। क्यों क्या हुआ? बोलता है तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, घर पे पहुँचो। वो सरप्राइज़ पहुँच जाता है, फिर दूसरी कॉल आती है, हाँ कहाँ हूँ? बात सुनो रात में आलिया की बर्थडे पार्टी है, लाजमी जाना है, टाइम से तैयार हो जाना। वो आलिया की बर्थडे पार्टी है, ठीक हो गया। अच्छा ये आगे से फिर ये सवाल पूछता, अच्छा ये बताओ अपनी विट्स निकालूँ या नहीं? आगे से बोल नहीं नहीं विट्स की क्या जरूरत, मैं अपनी सिविक निकाल लूँगा। मतलब ये चल रहा होता है सारा यार। बिजनेस के हवाले से कॉल आती है, यार यहाँ मैं फंस गया हूँ, थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से बात करनी है, थोड़ा सा मशवरा लेना आ जाओ। मतलब ये चल रहा होता है यार। और के दोस्त हमारे पास कॉल आती है ना, जानी कहाँ है? घर पे हूँ। क्यों क्या हुआ? घर के नीचे आइए, थोड़ा सा काम है। पता नहीं क्या काम है। मैं नीचे गया, मैंने बोला हाँ बोल क्या हुआ? हाथ मिला रहा है, हाथ मिलाते हुए यूं मिलाया, बोला जानी अपनी बाइक की चाबी तो दे। क्या करेगा भाई जानी का? यार ये नागन तक जाना है, यहाँ से मावा मिल नहीं रहा, वहाँ एक केबिन वाले से सेटिंग बनाई, मावा लेने जाना है। अच्छा यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, ये गया अपना काम करके आया, बाइक खड़ी कर दी, चला गया। अब मुझे जाना है, मैं आया हूँ, किक मार रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। पता है यूनो क्या मसला हो सकता है? एक ही मसला है, पेट्रोल की दे दी सही वाला दे, ढक्कन हटाया नहीं, एक कतरा पेट्रोल नहीं, कतरा एक कतरा पेट्रोल है अंदर। वो क्या बोला? बोला जानी तुम्हारे दोस्त से मार चोती पेट्रोल की, एक कतरा पेट्रोल, सिर्फ एक कतरा, बाकी सबकी मार चोती। अब मैंने बोला यार क्या करूँ, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कॉल किया, मैंने बोला यार पेट्रोल ख़त्म कर दिया, कम से कम बंदा पेट्रोल डलवा लेता। बोलता हारिस जानी खुदा की कसम इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी जो मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया। क्यों क्यों भाई, इसमें अल्लाह की बेहतरी का क्या हिसाब किताब है? बोला यार हो सकता है मैं आगे पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा हूँ डलवाने, वहाँ डकैत आ जाते ले जाते हैं उससे आगे। बोला मैं इसी वजह से सीधा ले आया। मैंने बोला यार तू कितना बड़ा भेंड का ढक्कन है यार, कम से कम पेट्रोल डलवा लेता। अरे चलो जाने दो, अब क्या कह सकते हैं। अब खैर मैंने पेट्रोल वेट्रोल कहीं से अरेंज किया, अब मैंने इसमें डाला, अब किक मार रहा हूँ जाने के लिए, बाइक स्टार्ट हो गई। अब मुझे हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है यार, टेढ़ा लग रहा है। मैंने बोला यार, जब मैंने दोस्त को दूसरा आया, मैंने बोला यार हैंडल देख टेढ़ा, वो आगे बाइक पे यूं करके टायर की तरफ बैठा, हूँ ला जानी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है।
अब मैंने उसको कॉल घुमा दी, मैंने बोला भाई हैंडल भी टेढ़ा हो रहा है यार, कम से कम ये तो सी ये क्या किया था ना। बोला यार हल्का सा पीछे रिक्शे में घुसाऊँ, लेकिन अल्लाह की बेहतरी है भाई इसमें, अल्लाह की बेहतरी है रिक्शे में घुसाऊँ, कोई बड़ी गाड़ी होती है तो ठुक जाए। अबे तो कम से कम मैकेनिक के पास ले जा, अल्लाह की बेहतरी होगी मैकेनिक के पास इसी वजह से नहीं ले गया, हो सकता है वहाँ जाता वहाँ डकैत आ जाए। मैंने बोला तेरी मैं माँ को चोदू। ये तू मादर चौदह या मैं मादर चौदह, जब मैंने तुझसे दोस्ती की बहन के लौड़ा कौन आज के बाद आई नहीं बहन के लौड़ा कॉल कट कर दिया मैंने। अच्छा औरों के दोस्त होते हैं जो आगे पे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, तरक्की पे तरक्की कर रहे होते हैं, अमीर पे अमीर बन रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी खरीद रहे होते हैं, घर भी खरीद रहे होते हैं, ब्रांचेस भी खोल रहे होते हैं अपने कारोबार की, बिजनेस की, जो भी हो रही होती है। हमारा वाला ये इतना गरीब है, इधर है, मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ। ये लोग इतने गरीब हैं, इनके वाले साहब ने इनको बोला कि बेटा, अच्छा ये काम नहीं करता, इनके वाले साहब ने इनको बोला कि बेटा पिछले महीने देखो सारा राशन ख़त्म हो गया, काम वाम कर, थोड़ा सा इस महीने की खुराक का कहीं ना कहीं से अरेंज कर ले यार। एक ये बहन का लोड़ा खुराक से ज़्यादा सुराख पे ध्यान दिया हुआ, क्या लोड़ा तरक्की करेगा, तरक्की करेगा, जा बैठ जाओ बहुत छोड़ी के। अच्छा उन अमीर इधर आए थे, इधर अमीर लोग होते हैं उन्होंने गोल सेट किए होते हैं, इसने अजमेर नगरी के खदड़े सेट किए। वह क्या था क्या लौड़ा तरक्की करेंगे यार ये लोग। खैर ये बहुत फ़र्क है भाई उन लोगों में और हम लोगों में यार। खैर ये तो हो गई बचोदियाँ, अब थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। वो बात ये कि देखो तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम्हारे बुरे वक्त में मैं काम आऊँगा और मेरे बुरे वक्त में तुम काम आओगे, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरे काम नहीं आते, तुम सच में नहीं आते मेरे काम। मैंने कहा आंटी कराओ, तुमने नहीं करवाई। मैंने बोला जगह यार, जगह तो करवा सकते हो यार तुम लोग, मतलब शादीशुदा लोग हो, दो कमरों का मकान ले लो, भाभी को मायके भेज दो, एक दिन हमें बुला लो यार, जगह हो गई यार, हम भी दुआएं देंगे, तुम्हारा भी काम चलता रहेगा, तुम शादीशुदा लोग हो, इंजॉय करते हो गर्मियाँ भी सर्दियाँ भी, हमें कम से कम सर्दियाँ ही इंजॉय करने दो यार। खैर मुझे अपने दोस्तों से यही शिकायत थी, तो जो ये मसले मेरे हल नहीं कर रहा भाई, मैं उनके लिए मैंने एक शायरी लिखी है, वो शायरी ये है कि इश्क में कुछ नहीं रखा ए फकीरों, कि इश्क में कुछ नहीं रखा ए फकीरों, आंटी जगह या वीडियो का लिंक ही करा दो लंड बशीरों। खैर अपने दोस्तों को मेंशन करो इस वीडियो में, उनको बोलो कि भाई इस मसले का हल अगर उनके पास है तो बताओ यार, मतलब जगह आंटी और लिंक विंक का और भी बहुत सारे मसले हैं यार, 18-18 की दो करवा दो अगर तुम्हारे पास 45 की एक नहीं है तो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट टू बनाऊँ, मतलब कुछ भी पार्ट टू में बच्चोदियाँ ले आऊँ, तो नीचे बता दो पार्ट टू चाहिए या नहीं चाहिए। तो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।